गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ शीतल सिंह। सो ये ना हमारा सेकेंड व्लॉग होने वाला है रूम मेकओवर का। कुछ दिन पहले आपने मेरा जो रूम देखा होगा कुछ इस टाइप का देखा होगा, कितना अमेजिंग स्टैटिक लग रहा है, लाइक एवरीथिंग इज लुकिंग ब्यूटीफुल। बट राइट नाउ मेरा रूम ना बहुत ज्यादा क्योटिक हो गया है, क्योंकि मैंने ना क्या हुआ था, छोटी सी स्टोरी, बोर नहीं करूंगी बिल्कुल भी, कि मैंने पीजी में शिफ्ट हो गई थी। देन घर में भाई रहता है, उसने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ ऐसा इधर उधर कर दिया। तो एक बार मैं आपको सारा दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से रूम का, कि अभी क्या हालत हो रही है एंड हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से है गेट, वेट अ मिनट, यहाँ से है एंट्री हमारे रूम की, ठीक है। ये चेयर मैं लाई हूँ क्योंकि ये वाली चेयर मैं रखने वाली हूँ अब अपने रूम में। एंड वो देख रहे हो टेबल को निकाल दूंगी एंड ये ऑफिस वाली चेयर को भी निकाल दूंगी। ये है वॉशरूम, एंड वॉशरूम का यही देखना, तो इसे बंद कर देते हैं। और यहाँ से हमारा ये पीछे जाने वाली वाला गेट है, के ऊपर पहले व्हाइट कर्टेन लगाए थे, अब मैंने कुछ अलग पिंक थीम सोची है। एंड ये वाला अभी तो मैं डाइसी हो रही हूँ कि इसे हटाऊंगी कि नहीं हटाऊंगी, बाकी देखते हैं। बाकी मिरर भी यही रहेगा, बेड भी यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन उसे और अच्छे से कर देंगे। अभी तो बहुत ज्यादा मैस हो रखा है, लाइक ये मेरे भाई ने क्या क्या फैला रखा है। और ये है डेकोरेशन का सामान जो मैंने मंगवाया, बहुत सारी चीज मंगवाई है, उसके लिए आप मेरा एक सेकंड वाला ब्लॉग आएगा, इससे पहले आया होगा, आप वो चेकआउट कर लेना। उसमें ना मतलब डिटेल्ड में मैंने बताया है कि मैंने क्या क्या मंगवाया, राइट। एंड ये सब तो ऐसे ही लगे रहेंगे, ये मैंने लास्ट जब मेकओवर कर रही थी तब मंगवाया था, तो इसको क्या ही हटाना। अब मैं करती हूँ आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ। लाइक मैंने सोचा है सबसे पहले मैं इसको कर लेती हूँ, पहले यहाँ पे ना कर्टेन लगा देती हूँ, उसके बाद हम दूसरा करेंगे। लेट्स गो। सो गाइस, मेरे जो कर्टेन मैं लाई हूँ ये है जो मैंने मीशो से मंगवाए थे, ये सेट ऑफ 3 है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लास्ट टाइम मैंने जब सेट ऑफ 4 मंगवाए थे वो थोड़े ज्यादा हो गए थे, तो सेट ऑफ 3 भी चल जाएंगे, तो इस बार मैंने सेट ऑफ 3 मंगवाया है। एंड इसका जो प्राइस था वो स्क्रीन पे आ जाएगा, या दूसरी वाली वीडियो में मैंने अच्छे से ब्रीफ करा है, ज्यादा महंगे नहीं है, 500 कुछ के हैं। इसमें 3 सेट है, एक बार मैं क्वालिटी दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये एक कर्टेन है, जैसे इससे पहले वाला व्हाइट वाला कर्टेन था ना, सेम क्वालिटी, ऐसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये पिंक कलर का है, लुक एट दिस, अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए इसका ना कपड़ा को थोड़ा सा जूम में दिख जाए, ऐसा है कुछ, ठीक है। और अभी जो हमारी मैं सोच रही हूँ ना, अभी जो थीम सोच रही हूँ फिलहाल के लिए, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जो थीम बनाते हैं वो आप, मैंने पिंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा सर्च करा था, पहले मैंने देखा था व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पॉप हो रहा है, के बाद अब ना मेरे को व्हाइट नहीं करना था, व्हाइट मतलब व्हाइट एंड पिंक में कुछ करना था, तो मैंने पिंक कर्टेन मंगाए। बाकी पिंक में और भी चीजें मैंने सोची है, तो एक बार देखते हैं कि वो चीजें कैसी निकल के आती है। पहले ना कर्टेन लगा लेते हैं, ठीक है। दीपक दियो ये तो अभी ना कर्टेन लग गए, बाहर की साइड थोड़ी अभी लाइट है तो ये ऐसे दिख रहा है, जैसे ही थोड़ा अंधेरा हो जाएगा और प्यारा लगेगा। तो अभी ना मैंने ये फोटो फ्रेम्स मीशो से मंगाए हैं, अगर आप लोगों को मंगाने हैं तो आप लोग मेरी दूसरी वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो फिलहाल मैं जो कर रही हूँ इन फोटो फ्रेम्स पे पेंटिंग जो मेरे को लगानी है, लाइक मैंने अभी सोचा है कि मैं जो फोटो फ्रेम्स पे पेंटिंग करूंगी तो वो कलर ब्लॉक करूंगी शेड्स ऑफ पिंक का, लाइक तो रेड के अंदर पहले व्हाइट मिला देंगे तो पिंक हो जाएगा, फिर और ज्यादा उसी रेड उसी पिंक में व्हाइट मिलाते जाएंगे जिससे वो डिफरेंट शेड ऑफ पिंक आ जाएगा, एंड इट्स लुकिंग नाइस, वो आप लोग देखते जाना साथ में। सो मैं यूज कर रही हूँ ये कैमल के कलर, ठीक है, जिसमें से सिर्फ मैं रेड और व्हाइट यूज करने वाली हूँ, दिस व्हाइट वन एंड रेड वन, लुक एट दिस। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पेंटर नहीं हूँ, बट मैंने कहीं देखा था वो शेड्स ऑफ पिंक, मैंने वीडियो में ही देखे थे एंड मेरे को भी अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं पिंक रूम मेकओवर करने की ट्राई कर रही हूँ, तो हमने पिंक कर्टेन भी खरीदे एंड हमने बहुत सारी चीजें भी खरीदी है, उसके लिए आप इससे पहले वाला ब्लॉग देख लेना। एंड ये है हमारा पूरा रेड एंड व्हाइट का, उसे जल्दी से कोऑर्डिनेट करके एक बार लगाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट डे सेम ब्लॉग, एंड मैं ना उस दिन लाइट चली गई थी बहुत,
ज्यादा गर्मी हो गई थी, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा था। अभी मैं आपको टाइम बताती हूँ, अभी आज हो रहा है लाइक आज फ्राइडे है, देखो 28 जून, ठीक है, अभी 9:54 हो रहे हैं रात के। एंड मैंने पीछे कर्टेन तो पहले ही लगा दिए थे, एंड ये हमने उस दिन कलर करे थे ना शेड्स ऑफ पिंक, इन पे थोड़ा सा ना बैक साइड से प्रेस कर लूंगी, पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे, अभी ना थोड़े गंदे से हो गए, बाकी ये है ना अच्छे लगेंगे उसमें, ठीक है। अभी सबसे पहले यही करती हूँ कि इस पर प्रेस कर लेती हूँ, एंड इसके अलावा प्रेस करने के अलावा इसे है ना जो फ्रेम्स मैंने खरीदे हैं 10 फ्रेम्स उसमें लगा देते हैं, बाकी बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आप लोगों को कूलर वगैरह की आवाज आ सकती है क्योंकि पूरी फैमिली सो गई है मेरे अलावा, तो अभी मेरे को ये सब करना है, फिर मैं पूरा रूम मेकओवर आज ना करके रहूंगी, मतलब आज का पूरा डिसाइडेड है कि आज मैं पूरा रूम मेकओवर कर दूंगी एंड मैं आपको लोगों को पूरा दिखा दूंगी। इसके अलावा आप मेरा इससे पहले वाला व्लॉग चेकआउट करना क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा मस्त है। ये जो आप मैंने लास्ट टाइम पेंट करे थे इन पे मैंने प्रेस कर ली है, प्रेस एज इन पूरा ये स्ट्रेट हो गए हैं ये इन पे, क्योंकि वाटर कलर और पोस्टर कलर जो भी थे वो करा था मैंने कैमल के, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, तो वो करने के बाद ना पेंट करने के बाद पेपर बहुत अजीब सा हो जाता है A4 शीट खासकर, और ये अच्छी वाली A4 शीट है, थोड़ी मोटी वाली होती है वो वाली, ऐसा नहीं कि एकदम पतली वाली थी, वो वाली भी नहीं थी, फिर भी वो है पेंट कलर कर रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत पानी वानी लगता है इसकी वजह से वो हो जाता है। अब वो सूखने के बाद मैंने पूरा अच्छे से प्रेस कर दिया जिससे वो एकदम स्ट्रेट हो गया, तो फ्रेम्स कुछ इस टाइप के हैं, ठीक है, ऐसे व्हाइट कलर के, इसके अंदर हम A4 शीट ये वाले कलर लगा देंगे लाइक दिस, ये यहाँ पे लगता जाएगा, अंदर की साइड लगेगा तो और भी अच्छा लगेगा। अभी क्योंकि देखो अगर व्हाइट दीवार पे ऐसे करके मैं 10 फ्रेम डिफरेंट कलर के, मतलब शेड्स ऑफ पिंक में ही डिफरेंट लगाऊंगी तो वो थोड़ा अच्छा और थोड़ा डिफरेंट लगेगा, और ये मैंने सोचा था आई थिंक ये अच्छा लगना चाहिए, एक बार ट्राई कर लेते पहले सारे फ्रेम में फिट कर। सो गाइज मैंने ना अभी सारे ये देखो फ्रेम्स रेडी कर लिए हैं, ठीक है, इनमें लगा दिया ऑलरेडी सारे कलर्स लगा दिए हैं, एंड ये बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो अब मैं इसे ना पहले यहाँ पे ही एक बार ऑर्गेनाइज करती हूँ नीचे की साइड ही कि ये कैसे लग रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस वाली वॉल पे हम लगा देंगे, फिर अच्छा भी लगेगा, या फिर पहले लगा देती हूँ, कन्फ्यूज हूँ मैं। थोड़े टेढ़े हो रहे हैं बट ये इस फॉर्म में मैं लगा के देखती हूँ एक बार इस वाली वॉल पे, ठीक है, एंड इसके बाद पता लग जाएगा कि ये कैसे लग रहे हैं, मतलब नीचे तो देख रहे हो ना बहुत प्यारे लग रहे हैं, काफी एलिगेंट लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि अजीब सा कुछ कर दिया है, तो मतलब इट्स वर्क गाइज इट्स वर्क। अभी मैं क्या करती हूँ ये मैं डबल साइडेड टेप के थ्रू चिपकाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट है, ऐसा बहुत हैवी नहीं है, हो नहीं पाएगा, और ये आप देख रहे हो ये मिरर का नहीं है, ठीक है, तभी 680 में ये सारा कुछ 10 फ्रेम्स आ गए थे सिर्फ 680 रुपीज में मीशो के थ्रू। अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक चीज जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, एंड लाइक ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में यूज करा था, इन सब के भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डोंट वरी, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो एंड आपको कुछ लेना है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो ना मैंने इन सब में जितने भी थे इन सब पे डबल टेप लगा दिया, ठीक है, अब मैं लाइन से यहाँ पे इसे पेस्ट करती जाऊंगी, तो 6 पेस्ट होंगे यहाँ पे, बाकी के जो पेस्ट होंगे 4 इधर, तो वो एक एल फॉर्म में आ जाएगा। सो गाइस अभी ना आप लोग देखो ये मैंने 3 ऊपर के लगाए हैं, कितने मस्त लग रहे हैं, एंड ऐसे ही मैं यहाँ पे इधर की साइड 4 और लगाऊंगी, इधर और लगा देती हूँ, फाइनल में ही दिखाऊंगी जब मेरा पूरा मेकओवर हो गया है हो जाएगा, तो ये थोड़ा बहुत मैंने ग्लिम्स दिखा दिया है, एंड में जरूर देखना कैसा लग रहा है, ठीक है, मजा आ गया। गाइस ये वाली वॉल हो गई है पूरी, अभी ये बहुत सही लग रही है, बाकी ना मैं एक काम करती हूँ पूरा क्लीन करती हूँ और बेड वगैरह ठीक करती हूँ, ठीक है, एंड क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी ये चेयर्स वेयर्स एंड ये टेबल भी बाहर जानी है, एंड आज ये भी यूज होगा लैम्प, ये मैंने मीशो से लिया था 982 या 990 रुपीज का है। सो गाइस मैंने ना आप ये देखिए ये हो गया हमारा ये बेड वाली साइड, एंड अभी ना इस पे लाइटिंग भी होगी,
ये अभी अधूरा है, तो अभी इसे ऐसे जज मत करना। अभी इसमें मैं ना जो फेरी लाइट्स वगैरह होते हैं वो भी लगाऊंगी, वो भी देखना, क्योंकि मेरे पास फेरी लाइट्स हैं ऑलरेडी, तो वो तो जरूर लगेगी। एंड अब आते हैं हम थोड़ा क्लीनिंग पे। क्लीनिंग में लाइक ये नीचे देख रहे हो कितना कबाड़ा फैला रखा है ये चेयर, एंड ये वाली टेबल बाहर जाएगी, क्योंकि मैं ये चेयर जो एज अ मेन चेयर वो कॉर्नर चेयर बनाने वाली हूँ, एंड ये सब बाहर जाने वाला है। बाकी ये सब कर्टेन्स वगैरह ये मैंने मीशो से लिए थे, एंड ये वाली टेबल भी मैं यूज करूंगी, तो ये भी मैंने मीशो से ली थी एज अ साइड टेबल, मैं इसे यूज करने वाली हूँ यहाँ पे। बाकी इस पे कुछ रख देंगे, वो अच्छा लगेगा वही रख देंगे, ठीक है। बाकी आप इन सब चीजों को बाहर फेंकते हैं और झाड़ू लगाते हैं, तो मुझे जरूर बताना एंड में कैसा लग रहा है। मैं बहुत, अभी कितने बज रहे हैं, 11:41, और देखते हैं कितनी देर लगेगी। लाइक मेरे को लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो अभी पहले थोड़ी क्लीनिंग करती हूँ। सारा जितना भी दिख रहे हो ये सब जब पूरा हटाती हूँ अच्छे से, पूरा क्लीन करके यहाँ पे अपना स्किन केयर वगैरह जो मैं यूज करती हूँ वो रखती हूँ, और इस टेबल को बाहर निकालती हूँ। तो एक एक करके करते हैं। पहले मैं सोच रही हूँ कि ये वाला पूरा क्लीन करके यहाँ जो जो रखना है अपना स्किन केयर वगैरह वो रखती हूँ, बाकी फिर एंड में झाड़ू लगा दूंगी। झाड़ू ना मैं एंड में ही लगाऊंगी, पहले ये सब बाहर निकाल दूंगी, ये जितना भी चेयर है, ये दोनों चेयर और ये एक टेबल, ये बाहर जाएंगी। तो अभी ना मैंने क्या कर लिया है कि अपने ये देख रहे हो ये पूरा अच्छे से सेट कर लिया, बहुत क्लीन कर दिया है, पहले कितना गंदा हो रहे थे, एंड अपने मिरर को भी पूरा क्लीन कर दिया, टीवी को क्लीन कर दिया। अभी हमारा बेसिक चीजें रह रही हैं, लाइक अभी हम इन दोनों पे, ये दोनों जो डोर्स देख रहे हो, पर मेरे को ये दोनों डोर ज्यादा अच्छे नहीं लगते। बेसिकली क्या है कि इनका ये बॉर्डर वगैरह है ना, ये बहुत ज्यादा क्लीन नहीं है, इस वजह से शायद नहीं अच्छे लगते। और बाकी इन दोनों पे मैं व्हाइट कर्टेन लगाने वाली हूँ। चेयर को निकालते हैं फिर टेबल को, ठीक। मैं एंड में दिखाऊंगी क्या करने वाली हूँ। ये एलईडी मैंने मंगाई है जो कि पिंक कलर की है, ठीक है, हमारे थीम के साथ जाएगी। एंड ये भी मैंने मीशो से मंगाई है, काफी अच्छी है। ये नहीं पता है कितने, ये 5 मीटर आई थिंक, छोटी ना पड़ जाए डर है, बट जितनी भी होगी ठीक है, देखते हैं। बाकी फेरी लाइट्स है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, अब इसको बाहर ले जाना है, बस हमारा ये वाला काम है। तो आप लोग देख रहे हो ना, मैंने यहाँ से वो टेबल भी हटा दिया है, एंड बस एक चेयर है, ये मेरा रूम हो गया, बस इतना ही है। अभी ये प्लांट याद होगा आप लोगों को, लास्ट टाइम जो वीडियो था उसमें लेके आई थी मैं। अब मैं सोच रही हूँ पहले यहाँ पे लाइट लगा लेती हूँ, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, तो पहले इसकी लाइट लगा लेते हैं फिर कुछ करेंगे। मैंने लाइटिंग कर दी है, ठीक है, एंड इट्स लुक ब्यूटीफुल। अभी लाइट बंद कर दूंगी ना, बहुत प्यारा लगेगा। बाकी अब भी हम ये वाली साइड करते हैं, एंड मैं ना इसमें भी लाइट लगानी है, फेरी लाइट्स लगानी है इसमें, फेरी लाइट तो आराम से लग जाएंगी। बाकी जल्दी से ये वाला कॉर्नर करती हूँ। ये मैं बताती हूँ मैंने क्या सोचा था, कि मेरे पास ना 3-4 कॉर्नर होने चाहिए जहाँ पे मैं कहीं पर भी बैठ के मैं वीडियो बनाऊँ। लाइक इस वाले कॉर्नर पे बनाऊंगी, ये भी स्टैटिक लगेगा, यहाँ पे अभी फेरी लाइट भी लग जाएगी जिससे और ज्यादा अच्छा लगेगा। इस वाले कॉर्नर पे बनाऊंगी तो ये तो है ही अमेजिंग है, लिटरली वाओ, ठीक है। एंड अब मेरा ये वाला कॉर्नर हो रहा है, तो ये अभी आप देख रहे होगे गुचड़ू मुचड़ू हो रहा है, बट ये बहुत अमेजिंग लगने वाला है, बस गिव मी 5 to 10 मिनट। प्यारा लग रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा मैंने सोचा था इस वॉल पे एक और चीज लगा देती हूँ, उससे और ज्यादा एनहांस हो जाएगा, बाकी ओवरऑल तो मस्त लग ही रहा है। सो ये है नियॉन लाइट जो मैंने मंगाई है, मीशो से ही मंगाई है, 288 रुपीज की है। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने करी नहीं थी, मैं कर देती हूँ। दिस इज माई नियॉन लाइट जिसपे लव लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार इसे यहाँ पे लगा देते हैं, एंड आई थिंक बहुत प्यारा लगेगा, लव। चलो मैं लगाती हूँ, आप देखिए।
तो गाइस ये वाला जो कॉर्नर है वो रेडी हो गया है लाइक, एंड ये भी हो गया रेडी। अब ना मैं पूरा थोड़ी बहुत फिनिशिंग रह रही है लाइक, ये लगाने ग्रीन लीव्स लगाने हैं मेरे को, ठीक है, एंड ये जो एलईडी, ये जो फेरी लाइट्स हैं ये लगाने है। अब आप लोग रेडी हो जाओ पूरे रिवील के लिए। सो 1 2 3 गो। पूरा रूम टूर एंड बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अभी मैं टाइम भी बता दे तू, मैंने जब स्टार्ट करा था आई थिंक 9 समथिंग हो रहे थे, अभी रात के बज रहे हैं 3:59, 3 बज गए एंड ये एंड होगा आई थिंक 3:30 बजे तक ही होगा। सो इस वीडियो को बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। प्लीज लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने इससे पहले वाला जो रूम डेकोर का था अगर वो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि उस पर 1,00,000 व्यूज आए थे। इस वजह से मैंने सोचा एक और बार ट्राई करते रूम डेकोर एंड, क्योंकि वो इतना अच्छा चल गया था उसी की वजह से मेरा ना चैनल भी मोनेटाइज्ड हो गया। लिटरली बता रही हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। इतनी खुशी हो रही थी ना जब मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हुआ, आई वाज लाइक कि वाओ, सिर्फ 7 या 8 मंथ में मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हो गया। ये वाला, इससे पहले वाला भी हो गया था बट वो बेकार स्टोरी है, वो दूसरे में बता दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप लोगों को इस टाइप की वीडियो पसंद है कॉमेंट कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो पर 2,00,000 से ज्यादा व्यूज आ गए ना, मैं रूम टूर की जगह इस बार होम मेकओवर करूंगी। मेरा पूरा जो घर है ठीक है, उसमें जो दूसरे कमरे हैं उनको मेकओवर करूंगी एंड लॉबी को करूंगी, किचन को करूंगी, पूरा होम मेकओवर करूंगी। सो एंड गाइस एक और बात, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा जाके फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ से मतलब लॉन्ग वीडियो तो लेट आते हैं एंड इंस्टा पे रील मैं पहले ही डाल देती हूँ और इंस्टा पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सभी लोग रहते हैं, मैं ही क्या। तो आप लोग भी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, फिर हम इंस्टा वाले फ्रेंड्स बन जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।